आज संडे मॉर्निंग है और अभी सुबह 9:30 होगा। ये इधर देखिए, मैं चाउमीन रेडी कर रहा हूँ और ब्लैक टी। इधर कल रात को मैंने थोड़ा सा स्वीट्स भी ला के रखा था। अभी चाउमीन फ्राई रेडी हो गया है, खाऊंगी और खा के फटाफट ट्यूशन, बेटा को ट्यूशन छोड़ने के लिए निकल जाऊंगी। इधर हस्बैंड फटाफट गाड़ी निकल रहा है क्योंकि संडे सब सारे ट्यूशन सुबह ही होता है, आज लेट भी हो रहा है, इसलिए अभी फटाफट जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी ब्रेकफास्ट खा पी के बेटा को ट्यूशन लेके जा रही हूँ। आज संडे है, बेटा को ट्यूशन लेके जा रही हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि बेटा का संडे का सारे ट्यूशन सुबह ही होता है क्योंकि शाम को सारे ट्यूटर्स फ्री रहना पसंद करता है और वीकली एक दिन बनता भी है कि उन लोग को भी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए ना, फैमिली के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। तो अभी हम लोग सेक्टर 9-11 से सेक्टर 14 जा रहा हूँ। सेक्टर 9-11 से 14 तक लगभग 10-11 किलोमीटर का दूरी बनता है, डिस्टेंस बनता है। तो उसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं देखते रहिए फ्रेंड्स, तो स्टे कनेक्टेड। आज बाहर का मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम झकझक धूप निकला है, बहुत दिन का बाद निकला है। ऐसा धूप देखने से ना मन को एकदम बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है क्योंकि बहुत दिन से ना, बहुत दिन से मतलब क्या, ये पूरा विंटर सीजन बारिश बारिश करके गया, पूरा वेदर क्लाउडी रहा, बारिश रहा, एकदम मन डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन आज बहुत दिन का बाद देखिए इतना सुंदर गोल्डन धूप निकला है, मन एकदम अच्छा लग गया है। सोच रहा हूँ आज थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाऊँ, आईब्रो वगैरह बनाऊँ, बेटा का भी एक सुंदर सा हेयर कट दूँ। बहुत दिन से विंटर विंटर बोल के उसका हेयर कट भी नहीं दिया है, आज थोड़ा हेयर कट दे दूंगी सोच रहा हूँ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बेटा को ड्रॉप कर दिया ट्यूशन में, अभी हम लोग 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद उसको लेके शायद पार्लर जाएंगे, देखते हैं। 3-4 दिन पहले मेरा जो 5 सब्सक्राइबर बढ़ा था ना, आप लोग को मैंने बताया भी था, उसके बाद ना कल और आज धीरे धीरे पता नहीं क्यों 3 सब्सक्राइबर कम हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। आप लोग को मालूम है क्या ऐसा क्यों होता है? अगर मालूम है तो मुझे जरूर बताइएगा। लगता है बिना वीडियो बिना देखे सब्सक्राइब करने से ऐसे ही कम हो जाता है क्या बाद में? इसीलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ना मेरा एक वीडियो कंप्लीट देख के फिर सब्सक्राइब करिएगा, फिर ऐसे कट नहीं होता है बाद में, सब्सक्राइबर कट डाउन नहीं होता है। अब 12:43 हो गया है, अभी पार्लर जाऊंगी, बहुत दिन से थ्रेडिंग नहीं किया है। अब थोड़ा आईब्रोज बनाऊंगी, फिर बेटा का भी हेयर कट करूंगी, उसका हेयर देखिए कितना लंबा लंबा हो गया है, दाढ़ी भी बनाऊंगी बहुत दाढ़ी भी उग गया है, क्लास 10 मेल सा दाढ़ी पे देखो, शो देखिए एकदम पूरा क्लास 10 में इतना दाढ़ी हो गया। ये भी थोड़ा ट्रिम करने पड़ेगा, हेयर कट भी दिलाने पड़ेगा, फिर अभी उसका बाद देखते हैं क्या करते हैं। आज थोड़ा चिकन भी जाते जाते खरीद लेंगे, चिकन पकाएंगे। जब हस्बैंड चिकन लेने गया था ना, अपनी कार का पास एक इतना सुंदर वेडिंग चैरियट खड़ा था, बग्गी, दिखने में बहुत ही सुंदर है। इसमें जो नक्शी हुआ है देखिए तो कितना बारीकी से सारा नक्शा नक्शी बनाया हुआ है, और पास में ही कार का पास में ही एक बरगद का पेड़ भी था, देखिए कितना खूबसूरत है ना, गॉर्जियस है, उसका जो रूट का स्पाइक्स है कितना सुंदर और हरा भरा ट्री था। मुझे ना ऐसा बड़ा बड़ा ट्री बहुत अच्छा लगता है, दिखने में कितना गॉर्जियस है। उसका बाद हम लोग एक सैलून में आया है, ये यूनिसेक्स सैलून है, और बेटा का देखिए एक हेयर कट देने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हेयर कट का पहले उसका हेयर ब्रश कर रहा है। बच्चों लोग का ना ऐसा कभी कभी एक स्पा सेशन होना चाहिए क्योंकि उन लोग को भी पढ़ाई का कितना स्ट्रेस रहता है ना, बीच बीच में कभी कभी ऐसा एक कुछ हेयर स्पा दे देने से उन लोग का थोड़ा स्ट्रेस फ्री फील होता होगा, क्योंकि हम लोग को तो होता है ना लेडीज लोग जब पार्लर जाता है कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर या फेशियल वगैरह करने से ऐसा लगता है ना कि बहुत स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ, और खुद को कितना रिफ्रेशिंग फील होता है। बॉयज लोगों को भी ऐसा होता है ना, तो मैं बेटा को कभी कभी ऐसे पार्लर में लेके आती हूँ सैलून में,
तो वहाँ पे उसको अच्छा से ऐसा हेयर वॉश हेयर कट मतलब एक स्पा दे देती हूँ तो थोड़ा रिफ्रेशिंग फील करता होगा। ये देखिए कितना सुंदर से उसका हेयर वॉश करके अभी सुखा रहा है। पहले ज़माना में बच्चे लोग तो ऐसे नायका पास ही हेयर कट कर जाता था, उनको सलून अलून में नहीं जाता था। लेकिन मैं बोलूँगी कि आजकल का ज़माना का बच्चे लोग का पहले ज़माना का बच्चे लोग का जो स्ट्रेस लेवल है वह कम्प्लीट डिफरेंट है। पहले इतना स्ट्रेस नहीं था पढ़ने का हो या दूसरा कुछ स्ट्रेस। आजकल बच्चे लोग को कितना सारा स्ट्रेस होता है ना, एक तो पढ़ने का कितना स्ट्रेस होता है, इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा मतलब बड़ा सिलेबस होता है, ऊपर से आजकल का जो लाइफस्टाइल है बच्चे लोग का पहले जैसा नहीं रहा है। पहले बच्चे लोग स्कूल का बाद खेलने कूदने बाहर निकल जाता था, आस पड़ोस का कितना बच्चा होता सब इकट्ठा बाहर खेलता था। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ है, पास वाला घर का भी कोई नहीं जानता है, जानने से भी इतना आना जाना ये सब नहीं होता है। तो बच्चे लोग का खेलने के लिए भी दोस्त भी नहीं होता है, घर में वो लोग ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेलते रहता है। ऐसे तो इतना टाइम मिलता भी नहीं है, लेकिन जो भी मिलता है ना वो लोग ऑनलाइन ही वेस्ट कर देता है। वेस्ट मैं नहीं बोलूँगी, और कोई दूसरा ऑल्टरनेट उपाय भी तो नहीं है, क्योंकि आजकल पहला ज़माना जैसा एक दूसरे का घर में कोई नहीं जाता है, तो उन लोग घर में बैठे बैठे एक स्ट्रेस सा फील करता है ना। इसीलिए मैं सोचता हूँ जब भी मौका मिले उन लोग को स्ट्रेस फील करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ग्रैब कर लेना चाहिए, चाहे एक सलून में अच्छा सा हेयर स्पा क्यों ना हो। और इधर देखिए मैं ना जो फीमेल सेक्शन है उधर मैं मेरा आईब्रो बना रही हूँ, थ्रेडिंग करवा रही हूँ। एक छोटा सा थ्रेडिंग ही आपको बहुत रिफ्रेशिंग मूड दिला देता है। और इधर देखिए बेटा का हो गया है, हेयर कट हो गया है और उसका बियर्ड भी ट्रिमिंग हो गया है। अभी देखिए ऐसा लग रहा है उसका 5 साल उम्र कम हो गया है। ये देखिए आईब्रोज भी बन गया है और बेटा का हेयर कट और उसका बियर्ड भी ट्रिमिंग किया है, अभी बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। बीच बीच में ना ऐसा कुछ ब्यूटी क्लीनिंग कराने से मतलब कि मन को रिफ्रेशिंग लगता है, एक थेरापी का काम करता है। एक सिर्फ स्टाइल ही नहीं, स्टाइल तो है सुंदर तो दिखता ही है, एक थेरापी का भी काम करता है। चलो आज संडे का दिन भी बहुत काम हो गया है, संडे बोल के भी घर में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। ट्यूशन पार्लर में ये सब कटिंग कुटिंग ये सब किया, अभी घर जाके खाना वाना बनाऊंगी, फिर से सुबह का ब्रेकफास्ट का बर्तन भी पड़ा है वो सब भी क्लीनिंग करने पड़ेगा। इधर देखिए घर पहुंच के हम लोग चिकन बनाने लग गया। एक्चुअली ये हम लोग के लिए मटन लाया है और ये बेटा के लिए चिकन लाया है। बेटा मटन और दूसरा मीट इतना पसंद नहीं करता है, तो हस्बैंड हम लोग का मटन हस्बैंड बना रहा है और ये चिकन मैं बना रही हूँ एक नया स्टाइल में। देखिए चिकन में सारा मसाला डाल दिया हूँ, सूखा मसाला हो या गोटा मसाला हो या जो पाउडर हो पेस्ट हो, सारा चिकन में डाल के उसको ना ऐसे हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फिर आधा घंटा जैसा मैरिनेट करके रखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट गैस में उसको बिठा के कढ़ाई को बिठा के वो पका लूँगी। यहाँ देखिए जो जो चिकन का ड्राई मसाला देते हैं होल ड्राई मसाला वो भी डाला है, पेस्ट भी डाला है, अदरक लहसुन का प्याज काट कर डाला है, जीरा पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी चिली पाउडर हल्दी नमक और तेल और लौंग इलायची दालचीनी सारा जो जो चिकन में पड़ता है ना मसाला सारा डाल के मैं मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर आधा घंटा उसको मैरिनेट करके रखा, फिर गैस में उसको चढ़ा दिया। अभी लो फ्लेम में जब तक चिकन तेल नहीं छोड़ेंगे तब तक लो फ्लेम में इसको पका लूँगी। आप लोग देखते रहिए मैं कैसे बनाया, ऐसे कभी बना के खा के देखिए, ऐसे भी बहुत टेस्ट लगता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, फटाफट पक जाता है। नहीं तो मसाला पहले भुनो फिर उसके बाद चिकन भुनो, ऐसा ना बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। जब आपके पास टाइम कम हो ना इस स्टाइल में बना के देखिए। ये देखिए अभी चिकन तेल छोड़ने लगा है, अभी थोड़ा इसको हिला के मैं उसमें पानी डाल दूँगी। जब चिकन तेल छोटा है ना उसके बाद ही पानी डालना चाहिए ये प्रोसेस में, तब ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप देखिए सारा मसाला बहुत ही सुंदर तरीके से मीट में इन्फ्यूज हो गया है मसाला का फ्लेवर। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी, आपका जितना ग्रेवी बनाना है जितना कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अभी मैं पानी डाल के उसको
उबलाने से ढक्कन लगा के फिर लो फ्लेम में अच्छे पूरा फुली कुक्ड होने तक उसको पकाऊंगी। ये देखिए कलर भी बहुत सुंदर आ रहा है, अभी मैं इसको ढक दूंगी। और इस साइड में ना ये लाल वाला कुकर में मैं राइस पकाया और दूसरा कुकर में मटन पकाया और इधर बेटा का चिकन कढ़ाई में पक रहा है। ये देखिए अभी थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत ही सुंदर फ्लेवर आता है। मेथी चिकन का जो खुश फेमस फ्लेवर है वो कसूरी मेथी से और ज़्यादा आता है। फ्रेश मेथी मेथी का पत्ता देने से जितना आता है ना, उससे ज़्यादा कसूरी मेथी का जो ड्राई लीव्स है वो देने से चिकन ग्रेवी का फ्लेवर बहुत सुंदर आता है। अभी मैं इधर कसूरी मेथी को मिक्स कर दूंगी और उसका बाद ढक्कन लगा के रखूंगी। कसूरी मेथी का बाद ढक्कन लगा देना चाहिए कुछ मिनट तक, ताकि उसका जो फ्लेवर आता है ना वो चिकन में हो या कोई भी मीट में, डालने का बाद ढक्कन लगा देना चाहिए। तब उसका जो फ्लेवर है वो मीट में अच्छी तरीके से इन्फ्यूज हो जाता है और बहुत देर तक मतलब मीट का अंदर में ही रहता है। तो मेरा आज का खाना पीना बन के रेडी हो गया है, अभी खाना खाऊंगी फिर उसका बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी। अभी शाम का टाइम है, अभी और एक बार हम लोग बाहर निकल पड़ी हूँ। अभी बेटा का जो साइंस सब्जेक्ट का ट्यूटर है उनका पास जाएंगे, उनको थोड़ा फीस भी देना है और बेटा का स्टडी में क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो भी बात करके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल उषास ब्लॉग को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आप लोग का सब्सक्रिप्शन का बहुत मुझे जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।